हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राखी टेरेस गार्डन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की है और वो कैसे की है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम शॉपिंग करने कभी भी चले जाएं, क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो कल मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकले हैं तो कुछ प्लांट्स भी ख़रीद लूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और प्लांट्स नहीं खरीदे थे। तो मन कर रहा था बस जल्दी से कुछ मौका मिले बाहर जाने का और प्लांट्स ख़रीद लें। और बहुत आपको बहुत ध्यान से, अगर बाई चांस बाहर जाना भी पड़े किसी काम से, तो आपको बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो आपको किसी कोई चीज़ टच करनी है, कुछ नहीं। बस मैं बताती गई थी और उन्होंने भैया ने गाड़ी में उठा के रख दिए थे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आराम से शॉपिंग हो गई थी और मैंने कुछ ज़्यादा प्लांट नहीं ख़रीदे हैं, बहुत कम प्लांट ख़रीदे हैं मैंने। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने एक ये प्लांट ख़रीदा है, अंगूर की बेल। तो मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ ये अपने गार्डन में, देखते हैं किस तरह से ग्रो होती है और मैं इसकी अपडेट भी आपको देती रहूँगी जब ये ग्रो हो जाएगी थोड़ा। तो मैंने सोचा कि ये मुझे दिख गई थी, मैंने सोचा मैं इसको ले लेती हूँ, और ये मुझे 50 रुपीज़ में पड़ी, ये देखें आप। तो इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, अब देखते हैं इसको गार्डन में चला पाते हैं कि नहीं। उसके बाद मैंने लिया है एक ये बनियान ट्री, इसको बरगद का पेड़ भी बोला जाता है। बरगद का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है, बट मैंने ये पॉट के लिए लिया है और इसको मैं बोनसाई बनाऊंगी इसका। तो ये मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ का दिया, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये पॉट में बहुत स्लो ग्रो करता है, तो ये उन्होंने मुझे 20 रुपीज़ का दिया। उसके बाद मैंने ये दो गम्फ्रीना के प्लांट ख़रीदे हैं, ये देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं उनके जो कलर्स हैं कितने खूबसूरत हैं। और ये समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और एक बार अगर आपके गार्डन में ये लग जाए तो ये सीड्स भी देते रहते हैं, क्योंकि ये विंटर्स में तो ये बिल्कुल चले जाते हैं, लेकिन इसके सीड्स जो होते हैं वो आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये मुझे 10-10 रुपीज़ के पड़े दो प्लांट, ये देखिए, और बहुत अच्छी कंडीशन है। तो ये सारी शॉपिंग जो मैंने की है, ये मैंने अपने बालकनी गार्डन के लिए की है, ये देखिए आप। उसके बाद ये वाइट वाला विंकर ख़रीदा मैंने, ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा, और वो जो वाइट कलर का फ्लावर होता है बहुत सुंदर लगता है, ये देखिए आप कितना खूबसूरत फ्लावर है, ये मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद मैंने एक वाइट कनेर ख़रीदा है, बहुत टाइम से ढूंढ रही थी मैं और ये मिल के ही नहीं दे रहा था। ये वाइट कलर का कनेर है जो कि मुझे 50 रुपीज़ में पड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये प्लांट, ये देखिए आप, बहुत छोटा सा ही प्लांट है, बट मैंने अपनी बालकनी के लिए ख़रीदा है, क्योंकि मैं बालकनी में ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट नहीं लगाती हूँ, तो ये मैंने 50 रुपीज़ का ख़रीदा। उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये देखिए, कली भी आ रही है, हिबिस्कस का प्लांट है ये, ये जो है ये पिंक कलर का फ्लावर आता है इसमें, और ये देसी वाला जो हिबिस्कस होता है ये वही है, ये उन्होंने मुझे 30 रुपीज़ का दिया। कल इसमें फ्लावर भी खिला हुआ था, क्योंकि हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है वो एक ही दिन का होता है, कल इसमें फ्लावर भी देखो यहाँ पर खिला हुआ था, बहुत खूबसूरत कलर लगता है उसका, जो बेबी पिंक कलर होता है, और इसमें कली भी आ रही है, ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा। उसके बाद मैंने ख़रीदा है ये, मैंने एक सिंगोनियम ख़रीदा है, जो कि मेरे पास छोटी लीप्स वाला सिंगोनियम नहीं था, ये देखिए इसकी जो लीव्स की शेप होती है बहुत प्यारी होती है और जो शेड्स होते हैं। और ये मुझे पता है क्यों अच्छा लगा, इसमें ना तीन प्लांट हैं एक साथ, जैसे कि सब जानते हैं कि सिंगोनियम कटिंग से बहुत इजी से लग जाता है, ये देखिए आप जो इसकी रूट्स निकली हुई हैं, ये देखिए आप यहाँ से अगर इसको कट करके दूसरे पॉट में लगाएंगे तो बहुत ईजी से ग्रो हो जाएगा, लेकिन ये वैसे भी मेरे पास तीन पॉट आराम से बन जाएंगे, ये इतना घना है, और ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा। तो एक ये लिया मैंने, उसके बाद मैंने एक ये, भैया ने तो मुझे पर्पल अपराजिता बताई है, पता नहीं कौन सा कलर निकलेगा जब इसमें, ये देखिए कली आ रही है, जब ये खिलेगी तब देखते हैं कौन सा कलर निकलता है। वाइट तो मेरे पास दो तीन हैं जो कि मेरे टेरेस पे लगे हुए हैं, आप देखना मेरे टेरेस गार्डन की वीडियो में, और वो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। पर्पल वाला मैं लेके आई हूँ, ये उन्होंने मुझे 15 रुपीज़ का दिया, तो बहुत ही कम रेट में मेरी शॉपिंग हुई है। और एक मैंने ये क्रेपर ख़रीदी है जिसको बिगोनिया विस्ता बोला जाता है,
इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, नेक्स्ट मंथ से आने लगेंगे इसमें फ्लावर, और विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं ये, जैसे बहुत मतलब बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं इसमें। तो एक मैंने ये क्रीपर खरीदी है क्योंकि मेरे पर टेरेस पर बहुत सारी क्रीपर्स हैं, कई सारी क्रीपर्स लगा रखी है मैंने अपने टेरेस पर, तो मैंने एक ऑरेंज कलर की ये खरीदी है जो कि मुझे 50 रुपीज़ में पड़ी, और ग्रोथ ठीक ही है इसकी, देखते हैं फिर इसको कैसे लगाना है क्या करना है, ये मुझे 50 रुपीज़ में पड़ी। तो यही मेरी कुछ शॉपिंग थी जो कि मैंने प्लांट्स की है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैंने कुछ पॉट भी ख़रीदे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट शॉपिंग में दिखाऊंगी। तो और आपको बालकनी में लगाने के बाद मैं ज़रूर आपको एक बार दिखाऊंगी किस तरह से मैंने सबको प्लांट्स को अरेंज किया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।